हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टी जॉन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइना की सच्चाई के बारे में। जहां से कोविड-19 का शुरुआत हुआ था, जहां से लोगों में कोविड-19 का असर देखने को मिला था, तो हम लोग बात करेंगे यहां पर सबसे पहले कि क्या है चाइना की सच्चाई और यहां पर कितने डेथ अभी तक हो चुके हैं कोविड-19 के वजह से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइस। सो गाइज, एक रिपोर्ट की माने तो चाइना ने यहाँ पर 2 लाख बॉडी बैग ऑर्डर किए हैं। ठीक है, 2 लाख बॉडी बैग्स ऑर्डर किए गए हैं चाइना के द्वारा। हालांकि अगर डेथ रेशियो की यहाँ पर बात करें कितने लोगों का डेथ हुआ था, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 3300 लोगों का यहाँ पर डेथ हुआ था और चाइना ने ऑर्डर किए यहाँ पर 2 लाख बॉडी बैग्स। अब ये जानकारी कहाँ से मिली, ये मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। सो गाइज, चाइना इन फोकस की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि चाइना ने 2 लाख बॉडी बैग्स ऑर्डर किए हैं। आप देख सकते हो ताइवान से इन्होंने 2 लाख बॉडी बैग्स के यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाली है। ठीक है, तो अब ताइवान की जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये बात को यहाँ पर क्लियर किया है, कन्फर्म किया है कि चाइना ने 2 लाख बॉडीज बैग ऑर्डर किए हैं। अब यहाँ पर ताइवान के डायरेक्टर का ये कहना है कि बहुत जगह से ऑर्डर आया, ठीक, कहीं पे 50,000 बॉडी बैग्स के ऑर्डर आए, लेकिन यहाँ पर सबसे ह्यूज जो नंबर है वो चाइना की तरफ से देखने को मिला है। चाइना ने यहाँ पर 2 लाख बॉडी बैग्स ऑर्डर किए हैं। सो गाइस, अगर चाइना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 3300 डेथ हुई है, लेकिन चाइना ने यहाँ पर 2 लाख बॉडी बैग्स ऑर्डर किया है। अब कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं जहाँ से आप और क्लियर कर पाओगे कि चाइना ने ऐसा क्यों किया है, क्या सच में वो जो लोगों का जो यहाँ पर डेथ नंबर है वो छुपा रहा है, तो वो भी क्लियर कर पाओगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। सो गाइस, सबसे पहले रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर चाइना की तरफ से एक यहाँ पर रिपोर्टर ने बोला था कि चाइना में 2 लाख ऐसे, 2 लाख नहीं, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे फ़ोन नंबर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड थे और अभी उन पे कॉल लगाने पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, वो बंद हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा ऐसे सेल फोन नंबर थे। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला है, जो चाइना के लोकल लोगों ने बोला है कि ये चाइना जो है अपना डेथ नंबर छुपा रहा है। ठीक है, सो गाइस, अगर लोकल लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोकल लोगों का कहना है कि 42,000 यहाँ पर डेथ हो चुका है कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, और अभी तक यहाँ पर जो चाइना की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई है 3,300 का। ठीक है, अब बात करें, देखो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड यहाँ पर चाइना हुआ था, सबसे पहले हुआ था। और चाइना की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर टेबल दिखाना चाहूँगा। सो गाइस, सबसे पहले आप ये टेबल देख लो जिसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कौन से कंट्री में कितने डेथ हो चुके हैं अभी तक कोविड-19 से। ठीक है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं। ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर मर चुके हैं कोविड-19 के वजह से, डेथ हो चुकी है उनकी, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर यूएसए की बात करें तो जो कि अभी नंबर 1 पे पहुंच चुका है, जिसका जो डेथ है आप देख सकते हो 18,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है। और चाइना की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर 4 पे आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नंबर 6 पे आपका चाइना है, आप देख सकते हो, जिसमें कि 3,339 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें गाइस तो चाइना में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। जैसे स्टार्टिंग हुआ था सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कोई सिटी था तो वो, सॉरी, जो कंट्री था वो चाइना था, और चाइना से ही कोविड-19 का यहाँ पर शुरुआत हुआ था, तो सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर अफेक्टेड हुए थे। अब यहाँ पर यूएसए की आप देख सकते हो, यूएसए में जो यहाँ पर लोग नंबर ऑफ केसेस थे कितने आप देख सकते हो, 5 लाख है, और यहाँ पर चाइना में सिर्फ दिखाया गया कितना, 81,000। ओके, अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो यूएसए में सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन है, और अगर यहाँ पर चाइना की बात करें तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। ठीक है, सो गाइस, अगर यहाँ पर बात करें कि कोविड-19 का इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला था, तो दोनों जगह ही इक्वल देखने को मिला है। हालांकि यूएसए में लॉकडाउन नहीं किया गया, उसके वजह से भी यहाँ पर कुछ परेशानी यहाँ पर झेलना पड़ा, यूएसए में ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात की जाए तो चाइना की पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा है यूएसए से, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग केसेस आए होंगे, लेकिन यहाँ पर चाइना के द्वारा ये सारे जो नंबर्स है उसको कहीं ना कहीं छुपाया गया है। और बात करें अगर डेथ की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माना जा रहा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर डेथ हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों के रजिस्टर्ड नंबर पर फ़ोन करने पर आपको यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिलेगा, ये एक रिपोर्ट है टेलीकॉम कंपनी की। ओके, तो वो रिपोर्ट भी आप जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो
चाइना है उसमें कितने ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला था। तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में चाइना का हाल बहुत ख़राब था और ये नवंबर अक्टूबर से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मैं एक आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सो गाइस आप रिपोर्ट देख सकते हो ब्लूमबर्ग की, जो कि इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ एजेंसी है। इसने यहाँ पर ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और बताया गया है कि 2019 में 56,000 लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, अक्टूबर से अब देख सकते हो क्वार्टर वुहान इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019 यानी कि अक्टूबर नवंबर की बात है। ठीक है, आप देख लो अगर यहाँ पर 2018 से इसको कंपेरिजन किया जाए तो आप देख सकते हो 1583 थी 18 में, उससे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो 1583 यहाँ पर ज़्यादा है। और अगर 2017 से कंपेयर किया जाए तो 2200 ज़्यादा यहाँ पर नंबर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो आपका जो यहाँ पर डेथ था वो स्टार्ट हो गया था चाइना में नवंबर दिसंबर में ही। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था नवंबर दिसंबर में, पर यहाँ पर चाइना द्वारा ये सब छुपाया गया था। जब सामने आया तो यहाँ पर डेथ नंबर भी छुपाए गए और बोला गया कि सिर्फ 3300 लोगों का यहाँ पर डेथ हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट यही यहाँ पर साबित करते हैं गाइस कि जो भी यहाँ पर चाइना में डेथ हुआ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर है और चाइना ने इन नंबर को छुपाया है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सारे यहाँ पर रिपोर्ट मैंने दिखाया जिससे काफ़ी हद तक ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर 2 लाख बैग मंगाए क्यों गए हैं और क्यों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चाइना अपने नंबर्स छुपा रहे हैं। ठीक है, तो ये है न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। गाइस तो काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो लाइक ज़रूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। गाइस तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।